यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हस्तशिल्पियों की कला को नई पहचान मिली है। इन हस्तशिल्पियों के दिन और अच्छे हों इसके लिए सीएम योगी ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत अब सभी जिलों के शिल्पकारों को नई तकनीक से जोड़ा जाएगा ताकि इनके सामानों की खूबसूरती और निखर सके। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्लान से परंपरागत हस्तशिल्पियों के अलावा युवा हस्तशिल्पियों को भी जोड़ा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस फील्ड में अपना भविष्य बनाकर आत्मनिर्भर बन सके। सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार डीपी सिंह ने बताया कि ODOP योजना ने हस्तशिल्पियों को नई पहचान दी है, लेकिन उनका व्यवसाय और चमके इसके लिए उन्हें तकनीक से जोड़ना बेहद ज़रूरी है, तभी वो अपने इन सामानों की पहुंच इंटरनेशनल मार्केट तक बना पाएंगे। इसके लिए अलग अलग उत्पादों के हिसाब से पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे और उसके जरिए सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। जो वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट है वो एक उत्तर प्रदेश की अनुकरणीय पहल है और एक यूनिक एक तरह से इनिशिएटिव है जिसको कि देश में बहुत सराहा गया है और पूरे विश्व में भी उसको एक नए तरीके से देखा गया है। तो अब उसके साथ जब इसको हम विस्तार देते हैं तो निचली जो है जिन लोगों ने इसको प्रोडक्ट को बनाया है उसमें और अधिक वैल्यू एडिशन की गुंजाइश है और अधिक स्किल ओरिएंटेशन की ज़रूरत है। और इसलिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बात करती है स्किलिंग की, अपस्किलिंग की और रीस्किलिंग की, तो इसलिए जो लोग ऑलरेडी इन चीज़ों में इंगेज्ड हैं उनको भी एक तरह से उनका कंटिन्यूस स्किल इन्हांसमेंट हो, उनके नॉलेज में टेक्नोलॉजी इनेबल्ड उनको प्रोवाइड किया जाए और आगे चल के इसमें जो भी आवश्यक है। तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है और पहल है कि हर ज़िले के स्तर पर स्किल मैपिंग होनी चाहिए। आज जहां हम स्किल के क्षेत्र में जहां खड़े हैं उसके आगे प्रदेश का विकास और उस ज़िले का विकास जैसे भविष्य में होना है उसके हिसाब से हमारे पाठ्यक्रम जो है उस स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से पाठ्यक्रम चलने चाहिए। उनका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका टेक्निकल नोहाउ बढ़ना चाहिए और शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें प्रमोशन होना चाहिए।